नमस्कार, मैं कृष्णा पांडे और द वेव न्यूज की तरफ से अपकमिंग वीडियोस में आप सभी के लिए पैरा ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ियों, उनके जीवन में कुछ अहम घटनाएं और किन किन कठिनाइयों का सामना करके वो एक महान प्लेयर बने, उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। और आज के हमारे इस वीडियो में भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली 19 साल की बेटी अवनी लखेरा ने शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल के SH1 कैटेगरी में गोल्ड और साथ ही साथ 50 मीटर एयर राइफल के SH1 कैटेगरी में ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रच डाला। मैं आपको बता दूं कि अवनी का यह पहला ओलंपिक है। आइए मैं आपको लेकर चलता हूं अवनी के बचपन में, जहां उनका जन्म राजस्थान के जयपुर में 8 नवंबर 2001 को हुआ था। सन 2012 में 11 साल की उम्र में अवनी अपने पिता के साथ एक कार में जा रही होती है, लेकिन अचानक से उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनके पिता को चोट लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवनी के स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने पैरों की शक्ति खो देती है। अब वो अपने पैरों पर चल नहीं सकती। सड़क दुर्घटना के बाद अवनी जब बहुत निराश हो गई तो उनके पिताजी ने उन्हें अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी दी, जिसको पढ़कर अवनी काफी मोटिवेट हुई और शूटिंग को ही अपने जीवन का उन्होंने लक्ष्य मान लिया। वह अपने घर के पास ही शूटिंग रेंज में जाकर निरंतर अभ्यास करने लगी, और जिसमें उनके मुख्य कोच चंदन सिंह ने उनकी बहुत मदद की, उनको मोटिवेट किया, और आज जाके उसका फल देखने को मिल रहा है। 2015 में अवनी ने स्टेट चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। इस चैंपियनशिप की खास बात यह थी कि अवनी ने जिस राइफल का इस्तेमाल किया था वह उनका खुद का नहीं था, उन्होंने कोच से उधार लिया था। स्टेट चैंपियनशिप नाम करने के बाद अवनी ने नेशनल चैंपियनशिप में 5 बार गोल्ड मेडल जीता, और वहीं दूसरी तरफ UAE में हुए पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता और देश का नाम रोशन किया। मैं आपको बता दूं कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक के क्वालिफिकेशन में अवनी का स्थान 7वां था, जबकि फाइनल में उन्होंने 249.6 का स्कोर प्राप्त करके सोना अपने नाम कर लिया। उनकी खुशी को दोगुना करते हुए उनके आइडल अभिनव बिंद्रा और साथ ही साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करते हुए उनको बधाई दी। और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी उपलब्धियों को भूलेंगे नहीं, और मैं विनती करता हूं कि दिव्यांग खिलाड़ियों को आप हेल्प करें, और किसी तरह से आप जो भी हो सके आप उनका सपोर्ट करें। धन्यवाद।